नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। रोज की तरह आज भी आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं और आज के जो करंट अफेयर्स हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो पूरा वीडियो देखना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तारीख है 5 अगस्त और एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि 15वें वित्त आयोग द्वारा स्थापित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय समिति का गठन अभी किया गया था, तो उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन है ये आपको बताना है। तो थोड़ा सा जानकारी हम लोग लेंगे इसके ऊपर कि 15वां वित्त आयोग क्या होता है और 15वां का मतलब क्या है, देश को आज़ाद हुए काफ़ी साल हो गए हैं तो 15 ही क्यों बने, तो इन सभी बातों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। सबसे पहली करंट अफेयर्स आपकी स्क्रीन पर है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में एक योजना लॉन्च की है। अगर आपको याद हो तो मध्य प्रदेश सरकार काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है कि लोग मास्क लगाएं और कोविड-19 के संक्रमण से बचे रहें। तो आप सभी से मध्य प्रदेश सरकार की तरह मेरी भी गुजारिश है कि अगर आप बाहर कहीं जाते हैं तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। तो हाल फिलहाल मध्य प्रदेश के शहरी विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा 1 से 15 अगस्त तक चलाए जाने वाले एक जन जागरूकता अभियान एक मास्क अनेक जिंदगी का शुभारंभ किया गया है। एक मास्क अनेक जिंदगी मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, माँ से मास्क, माँ से माँ से मध्य प्रदेश, तो इसको याद रखिएगा। सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि एक मास्क अनेक जिंदगी जो ये अभियान है ये कहां पर चलाया गया, मध्य प्रदेश में। तो कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसे शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत एक मास्क बैंक की स्थापना की गई है जहां लोग मास्क दान कर सकते हैं जो बाद में गरीब लोगों को फ्री में दिया जाएगा। नागरिक किसी भी जिले शहरी निकाय में गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से मास्क दान कर सकते हैं। इसमें दान मास्क या धन के रूप में भी किया जा सकता है जिसका इस्तेमाल स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मास्क सिलाई के लिए किया जाएगा। घोषणाओं, पोस्टरों और पर्चे के माध्यम से इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी। तो एक अच्छी योजना है क्योंकि जो हमें नहीं समझ में आता कि 5-10 रुपये का मास्क हमारे लिए क्या वैल्यू रखता है, लेकिन जो गरीब हैं जो वाकई में परेशान होते हैं पैसे के लिए, तो उनके लिए 5-10 रुपये के मास्क अगर उनको फ्री में मिल जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं उनके संक्रमण से बचाव होगा। फिलहाल कोरोना लेकिन एक ऐसी पहली बीमारी मुझे मिल रही है जो गरीबों में तो फैल ही रही है लेकिन अमीरों तक भी इसने पहुंच बना ली है। जैसे कि अमिताभ बच्चन अभी बीमार पड़े, अमित शाह भी अभी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, बड़े बड़े लोग इससे बीमार पड़ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा एहतियात बरतना ज़रूरी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले एक रोको टोको अभियान चलाया गया था। इस रोको टोको अभियान में क्या होता था कि जो व्यक्ति मास्क नहीं पहने होता था स्वयं सहायता समूह क्या करते थे कि उसको पकड़ लेते थे, उसको बुलाते थे और उसको 20 रुपये चार्ज करते थे और फिर उसको एक मास्क पकड़ा देते थे। इस तरीके से रोको टोको अभियान चलाया गया था। इसका संबंध भी आपका मध्य प्रदेश से ही है क्योंकि हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अभी हाल के दिनों में मध्य प्रदेश में क्या क्या हुआ ये जानते हैं। मध्य प्रदेश टूरिज्म यानी कि मध्य प्रदेश ने पर्यटन ने बोर्ड ने अभी हाल ही में इंतज़ार आपका नाम का एक कैंपेन शुरू किया था, अभियान शुरू किया था ताकि मध्य प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। मध्य प्रदेश सरकार ने किल कोरोना कैंपेन शुरू किया गया था ताकि जो कोरोना है ये एक बहुत बड़ा कैंपेन था जिसमें काफ़ी सारी टीमों को घर घर भेजा गया था ताकि लोगों को सुरक्षित किया जा सके। मध्य प्रदेश जो है ये टॉप स्टेट इन द कंट्री है ताकि जो अभी गेहूं को समर्थन मूल्य पर खरीदने में सबसे ज़्यादा मामले में मध्य प्रदेश आया था। भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक आपका मध्य प्रदेश में भोपाल में खोला गया था और प्रस्तावना पढ़ना मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में अभी हाल ही में अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 के दौरान इंदौर मध्य प्रदेश में जो है टॉप में आया था जो भी 10 लाख से अधिक आबादी वाले सिटी हैं उनमें, जबकि भोपाल को सबसे स्वच्छ राजधानी घोषित किया गया था। सिंगर सुमन कल्याणपुर और म्यूजिक डायरेक्टर कुलदीप सिंह को अभी हाल ही में एमपी का मध्य प्रदेश का लता मंगेशकर अवार्ड प्रदान किया गया था रिस्पेक्टिवली 2017 और 2018 के लिए। 2017 मिला था सुमन कल्याणपुर को, 2018 दिया गया था कुलदीप सिंह को। पहला एडिशन निमाड़ चिली महोत्सव, निमाड़ चिली महोत्सव के बारे में जरूर याद रखिएगा कि ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। कासरावाड़ खरगोन डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहां से ये संबंधित है और इसमें एक मस्कट का नाम रिलीज किया गया था जिसका नाम था चिली चाचा। मध्य प्रदेश के सीएम ने अभी हाल ही में नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस जो है इसको इनॉग्रेट किया था। नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस यानी कि राष्ट्रीय जल सम्मेलन भोपाल में इसको इनॉग्रेट किया गया था। मध्य प्रदेश जो है और ये PMJAY यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के इम्प्लीमेंटेशन में मध्य प्रदेश ने टॉप किया था। 3 दिन का नमस्ते ओरछा फेस्टिवल जो है ये भी अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में शुरू हुआ और इंदौर पहला सिटी बना जिसने पूरे सिटी को कोविड-19 के दौरान ड्रोन से सैनिटाइज किया था। मध्य प्रदेश की बात करें तो जनसंख्या में ये 5वें नंबर पर आता है जबकि पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है।
क्षेत्रफल के मामले में ये दूसरे नंबर पर आता है, जबकि पहले नंबर पर आपका राजस्थान है। कैपिटल भोपाल है। स्टेट एनिमल यानी कि राजकीय पशु मध्य प्रदेश का बारहसिंगा है। स्टेट ट्री बरगद का पेड़ है। स्टेट फ्रूट आम, स्टेट फ्रूट है। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है, बीजेपी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर लालजी टंडन है, थे, माफी चाहूंगा, इनका अभी देहांत हो गया, तो यहां पर आप थोड़ा सा आनंदीबेन पटेल कर लेना, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है उन्हें मध्य प्रदेश का भी कार्यभार दिया गया है। लोकसभा में 29 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में 11 सीटें आपको मध्य प्रदेश से देखने को मिलेंगी। ये हिंदी में स्लाइड है, जो लोग हिंदी में देखना चाहते हैं वो इसे देख सकते हैं। अगली जानकारी है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु, जी हाँ, पटना में है। जो लोग बिहार से हैं उसे जानते होंगे। वहाँ पर एक अप स्ट्रीम शुरू की गई है, यानी कि उसके अलावा एक और पुल की स्ट्रीम शुरू कर दी गई है। काफ़ी लंबा समय जाम लग जाता था और जो गिट्टी और मोरंग जो ढोला होता था वो काफ़ी घूम के जाना पड़ता था, जिससे उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती थी। तो जैसे ही ये पुल बना, अचानक से गिट्टी और मोरंग के दामों में वहाँ पर कमी देखी गई है। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो फटाफट से गिट्टी या मोरंग जो आपको खरीदना है तो खरीद सकते हैं। तो फिलहाल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महात्मा गांधी पुल के अप स्ट्रीम लेन का उद्घाटन किया है। यह पुल 5 किलोमीटर लंबा है, 5.5 किलोमीटर लेन है, 4 लेन है। यह पटना और बिहार के हाजीपुर को जोड़ने वाली गंगा नदी पर बनाया गया है। इस पुल का पुनर्निर्माण कार्य 2017 में शुरू हुआ था और लागत इसमें 1742 करोड़ रुपए आई है। 5 किलोमीटर लंबा पुल अपने आप में मायने रखता है। और फिर इसके बाद इसका डाउनस्ट्रीम का काम शुरू हो जाएगा, जहां पर उसको भी स्टील गिर्डर से बनाया जाएगा। पुराना पुल को प्रतिस्थापित करना था, क्योंकि पुराना पुल काफी ज्यादा जर्जर हो चुका था। पुल की डाउनस्ट्रीम लिंग को 2021 तक पूरा किया जाएगा। पुराने पुल की कंक्रीट संरचना को नए स्टील डेक से बदल दिया जाएगा। महात्मा गांधी सेतु की बात करें तो महात्मा गांधी सेतु पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर उत्तर दक्षिण दिशा में बना हुआ एक पुल है। यह दुनिया का सबसे लंबा एक ही नदी पर बना हुआ सड़क पुल है। इसकी लंबाई 5,750 मीटर है, यानी कि 5.5 किलोमीटर है। और भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन मई 1982 में किया था। इसका निर्माण गैमन इंडिया द्वारा किया गया था। कुल लंबाई 5,750 मीटर, सबसे लंबा विस्तार 121 मीटर का है, जहां पे चौड़ाई है। और निर्माण इसका 1982 में बंद हुआ था। 10 साल लगे थे इसको निर्माण होने में। 1972 में बनना शुरू हुआ था, 1982 में बन पाया। पटना से हाजीपुर को जोड़ता है महात्मा गांधी सेतु। अगली जानकारी तक चले तो अभी ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। जी हाँ, एनके सिंह। 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो आपके एनके सिंह हैं। उन्होंने कृषि के निर्यात के लिए, यानी कि कृषि के जो प्रोडक्ट हैं, कृषि के जो उत्पाद होते हैं, उनको निर्यात के लिए अलग अलग देशों में भेजने के लिए और उसके जरिए जो प्रॉफिट जनरेट होता है उसका केंद्र और राज्य सरकार में किस तरीके से बंटवारा किया जाए, किस तरीके से किस राज्य को कितना पैसा दिया जाए, ताकि वहां पर राज्य के अंदर जो कृषि आधारित गतिविधियां चल रही हैं वो अच्छे तरीके से चल पाएं और उनको जितना पैसा आवश्यक है उतना पैसा उनको मिल पाए, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया था। ये कमेटी भारत की सबसे पुरानी टोबैको कंपनी और सबसे बड़ी टोबैको कंपनी ITC के हेड संजीव पुरी को दी गई थी। और अब हाल ही फिलहाल उन्होंने यहाँ पे एक रिपोर्ट उसको सौंप दी है। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से जिस राज्य का जितना समर्थन मूल्य है या जिस राज्य का जितना समर्थन है कृषि आधारित उत्पादों में, उसको उतना ही शेयर दिया जाना चाहिए। और इसमें केंद्र और राज्य का जो बंटवारा है उसमें नीतिगत बदलाव करने की भी बात की गई है। तो यह कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को प्रदर्शन प्रोत्साहन की सिफारिश करने के लिए स्थापित किया गया था। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि किस तरीके से राज्य अपने अपने जो भी उनके कृषि प्रोडक्ट हैं, जो भी उनके एग्री प्रोडक्ट्स हैं, उनको किस तरीके से और कैसे मोटिवेट किया जाए ताकि वो और अच्छे से ये एग्री प्रोडक्ट जो हैं उनको निर्यात के लिए बाहर भेज सकें। समूह ने हाल ही में रिपोर्ट पेश की है जिसने फसल मूल्य श्रृंखला क्लस्टर के लिए राज्य के नेतृत्व वाली निर्यात योजना की सिफारिश की है। यानी कि जो भी ये डिसाइड करेगी कितने रेट में इसको बाहर भेजना है या कितने रेट में इनको बेचना है, वो राज्य आधारित कमेटी ही डिसाइड करे, जिसके बारे में इन्होंने बातचीत की है। और 22 फसल मूल्य श्रृंखलाओं पर ध्यान केंद्रित करने का भी सुझाव दिया है। यानी कि कम से कम 22 फसलें ऐसी हैं जिनके मूल्य को संशोधित करने की जरूरत है। वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय होता है जो केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक व्यवस्था और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार कर आय को वितरित करने के लिए फॉर्मूला डेवलप करता है कि किस तरीके से जो पैसा आ रहा है वो राज्य में कितना जाएगा, केंद्र में कितना जाएगा। इसके अलावा ये संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन किया जाता है और इसका गठन राष्ट्रपति करता है हर 5 साल के लिए। 15वें वित्त आयोग का गठन नवंबर 2017 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एनके सिंह की अध्यक्षता में किया गया है और इनके कार्यकाल को अभी हाल ही में बढ़ोतरी दी गई थी और इसकी सिफारिशें अप्रैल 2020 से मार्च 2025 तक 5 साल की अवधि को लेकर कवर करेंगी। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा
अनुशासित के रूप में बंधे अनुदान के एक हिस्से के रूप में अनुदान का एक हिस्सा जारी किया है कि जितना उन्होंने कहा था उसके मुताबिक राज्यों को अभी हाल ही में अनुदान जारी किया गया है 2020-21 के लिए। दो बातें, कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, 15वां वित्त आयोग चल रहा है, स्थापित कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और इस वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह, नंदकिशोर सिंह भी आप कह सकते हैं प्यार से। अगली जानकारी यूएई से एक खबर आ रही है। यूएई की इस खबर की ओर जाने से पहले मैं आपको कुछ और बात बताता हूँ। यूएई का अभी नाम आपने सुना होगा होप मिशन के लिए। होप मिशन क्या है? होप मिशन एक मंगलयान मिशन है जिसको अभी हाल ही में यूएई ने जापान की सहायता से लॉन्च किया था। इसके अलावा एक मंगलयान मिशन और लॉन्च किया गया था चीन की सहायता, चीन ने लॉन्च किया तियानवेन वन, और परसेवरेंस जो लॉन्च किया वो अभी हाल ही में 30 जुलाई को नासा ने लॉन्च किया है। ये तीनों ही मंगल मिशन फरवरी 2021 तक मंगल पर पहुंचेंगे और अपने अपने तरीके से या अलग अलग तरीके से मंगल की स्टडी करेंगे। हाल फिलहाल यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी में बराक परमाणु संयंत्र की एक इकाई एक को 31 जुलाई चालू किया गया और इस तरीके से परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला अबू धाबी यूएई पहला अरब देश बन गया है। परमाणु संयंत्र से याद आया कि अपने यहां भी एक परमाणु संयंत्र का भी हाल ही में उद्घाटन किया गया है गुजरात के सूरत के पास काकरा पार परमाणु संयंत्र में कैप 3 नाम का एक तीसरा प्लांट शुरू कर दिया है जिसकी क्षमता 700 मेगावाट की है। इसके अलावा यह संयंत्र जो यहां यूएई का है यह दक्षिण कोरियाई प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित हुआ है जो कि अबू धाबी के अल दफरा क्षेत्र में स्थित है। दो बातें याद रखना है, अल दफरा क्षेत्र में यह संयंत्र बनाया गया है, 5.6 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेगा जिससे यूएई की लगभग 25% बिजली की आपूर्ति पूरी हो जाएगी। अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 5.6 गीगावाट बिजली उत्पन्न करने का मतलब हो गया कि अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो यह नया प्लांट यूएई की तेल और गैस पर निर्भरता को कम करने का प्रयास का हिस्सा है जो इसकी अधिकांश ऊर्जा का मौजूदा स्रोत है और जिसके सतत ऊर्जा स्रोतों की ओर अग्रसर करता है। यूएई की बात करें तो जो लोग भी मतलब एक दो लोग हैं मेरे जानने वाले वो लोग बताते हैं यूएई में बहुत ज़्यादा जनरेटर्स के जरिए बिजली पैदा की जाती है, तो इस तरीके का अगर एक न्यूक्लियर प्लांट वहां पर हो जाएगा तो प्रदूषण में भी थोड़ा सा लगाम लगेगी, उसके बाद उसकी ऊर्जा की जो दक्षता है वो भी बढ़ जाएगी। यूएई के बारे में एक चीज़ और मुझे याद आ रही थी अभी हाल ही में, हाँ इस बार का आईपीएल कहाँ होने वाला है, इस बार का आईपीएल 19 सितंबर से यूएई में होगा, 19 सितंबर से होगा, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस आपस में पहले मैच में भिड़ेंगी, डेटा वो आ गया है उसका शेड्यूल, ठीक है मैं आईपीएल नहीं देखता हूँ। संयुक्त अरब अमीरात की बात की जाए तो संयुक्त अरब अमीरात मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है, सन 1873 से 1947 तक ये ब्रिटिश राज्य के अधीन रहा था। फिलहाल इसकी राजधानी अबू धाबी है। यूएई दिरहम यानी कि मुद्रा जो चलती है वो दिरहम है। वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहान। अगली जानकारी है, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी ने अभी हाल ही में विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है सियासत में सदस्यता का विमोचन किया है। यह पुस्तक लेखक के विचारों को विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर 3 दर्जन लेखों और उनके जीवन यात्रा का संकलन दिखाती है। यह पुस्तक बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित की गई थी। इस पुस्तक की में असेंबली की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों का वर्णन किया गया है जिसमें 6ठे कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन भारत क्षेत्र के अन्य लोगों के सफल समापन भी शामिल है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न विकासात्मक कार्यों और बिहार में नीतीश कुमार सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों का उल्लेख भी किया गया है। तो पुस्तक का नाम है सियासत में सदस्यता, अच्छा नाम है सियासत में सदस्यता, किसने लिखी है, विजय कुमार चौधरी। ये कौन है, ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं और इस पुस्तक का विमोचन किया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। अगली जानकारी पर चलते हैं, उत्तराखंड में एक हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होने वाला है। उत्तराखंड में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण क्षेत्र स्थापित होगा। उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र में यह संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस राज्य में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कई वन्य जीव प्रजातियां हैं जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिले में हिम तेंदुए बड़ी संख्या में देखे जाते हैं। उत्तराखंड अभी एक हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित हो रहा है और अगर आपको याद हो कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि देश का पहला कवक पार्क यानी कि देश का पहला लाइकेन पार्क जो है ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है, ये आपका उत्तराखंड में ही स्थापित किया जा रहा है। उत्तराखंड की राजधानी अभी हाल ही में देहरादून के अलावा गैरसैंण को भी उत्तराखंड की राजधानी बना दिया गया है। वर्तमान समय में त्रिवेंद्र सिंह रावत और बेबी रानी मौर्य, त्रिवेंद्र सिंह रावत कौन है मुख्यमंत्री हैं और बेबी रानी मौर्य कौन है वो यहाँ पर राज्यपाल हैं, ठीक है। उत्तराखंड के बारे में और कुछ जानकारी याद आ रही है, उत्तराखंड में जल्दी हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा। हाँ एक और याद आ रहा है कि एक तितली की प्रजाति जो है गोल्डन बर्ड विंग, गोल्डन
बर्ड विंग नाम से एक तितली की प्रजाति को भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित किया गया है। यह उत्तराखंड में पाई जाती है। इसके अलावा साउथ बर्ड विंग को बोला जाता था, वो साउथ में पाई जाती है। ये गोल्डन बर्ड विंग है जो उत्तराखंड में पाई जाती है, इसको भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित किया गया। यह भी न्यूज मैंने आपको बताई थी कुछ दिन पहले। अगली जानकारी तब चलते हैं। ये है राजस्थान न्यायिक सेवा में जो आरक्षण है वो 55% तक हो गया है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान का आरक्षण की बात नहीं हो रही, राजस्थान में जो न्यायिक सेवा है, जुडिशरी सर्विस है, वहां पर ये आरक्षण 55% हो गया है। क्योंकि अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने गुर्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग में शामिल 5 जातियों के युवाओं को राजस्थान न्यायिक सेवा में 1% के स्थान पर 5% का आरक्षण देने का निर्णय लिया है। और इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके बाद प्रदेश में गुर्जर समेत बंजारा, गडरिया आदि कई अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी इसका लाभ उठा सकेंगे। राज्य न्यायिक सेवा में महिलाओं को 50% आरक्षण मिल रहा है। इसके अलावा अब ये आरक्षण मिलने के बाद इस सेवा में कुल 55% आरक्षण हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 45% ही बचेंगे जो जनरल कैटेगरी के लिए ओपन होगा। अगली जानकारी है, हाल ही में जिन लिकुन को 5 वर्षों के दूसरे कार्यकाल के लिए चीन स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचित किया गया है। जिन लिकुन के अनुसार AIIB द्वारा एक गैर राजनीतिक संस्था के रूप में भारत में परियोजनाओं को जारी रखा जाएगा। जिन लुकिन जो कि अभी AIIB के प्रेसिडेंट है, अभी कुछ एक महीने पहले इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, लेकिन इनको अभी दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः इनका AIIB का हेड बना दिया गया है, प्रेसिडेंट बना दिया गया है। AIIB की बात करें तो ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में जितने भी देश हैं उनको समर्थित करने के लिए एक बैंक खोला गया था 2006 में, वह 2016 में स्थापित AIIB के 57 संस्थापक सदस्यों में भारत भी एक है। भारत AIIB में चीन 26.06% के बाद दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक 7.62% वेटिंग शेयर के साथ है। भारत द्वारा AIIB से 4.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्राप्त किया गया है, जो किसी भी देश द्वारा प्राप्त अब तक की सबसे बड़ी ऋण राशि है AIIB द्वारा। अगली जानकारी है, केंद्र सरकार ने हाल ही में एक और नया नियम लगाया है और उन्होंने रंगीन टेलीविजन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। खासकर जो भी रंगीन टेलीविजन चीन, ताइवान वगैरह से आ रहे थे, उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। और ऐसा उन्होंने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए किया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि कलर टेलीविजन की आयात नीति में बदलाव किया गया है। इस अब मुक्त से, ये पहले फ्री होता था, इसके ऊपर कोई टैक्स वगैरह लेवाई नहीं होता था, लेकिन अब प्रतिबंधित कैटेगरी में डाल दिया गया है। और भारत में आयात होने वाले 36% से अधिक रंगीन टीवी चीन और साउथ ईस्ट एशिया से आते हैं। किसी सामान को प्रतिबंधित आयात की श्रेणी में डालने का अर्थ होता है कि यह सामान आयातक को आयात के लिए वाणिज्य मंत्रालय के DGFT से लाइसेंस लेना होगा। ऐसे अभी बातचीत हो ही रही थी, कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि कुछ टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस को ये डालने वाले हैं उसमें, और ऐसे में ये रंगीन टेलीविजन को लेकर आए हैं। कलर टेलीविजन पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी कि अब आपको चाइना के जो भी आइटम है, कलर टेलीविजन है, वो बहुत सारी ऐसी कंपनी, 36% जो हमारे यहाँ टीवी बिकता है भारतीय टीवी बाजार में, वो चाइना का था। अब ये 36% की जगह हमारा घरेलू विनिर्माण जो टीवी आएगा वो आ सकता है मार्केट में। अब मेरे को एग्जैक्टली इस टाइम ये आइडिया नहीं है कि कौन सा घरेलू टीवी है या मतलब कौन सा इंडियन कंपनी है, तो आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो। आप कमेंट सेक्शन पर लिखकर मेरे को बता सकते हो कि वाकई में कौन कौन से टीवी चाइना के हैं फेमस ब्रांड में और कौन कौन से टीवी इंडियन है। अगली जानकारी पर चलते हैं। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल 4 नए राज्यों को शामिल किया गया है। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में कहा कि जम्मू कश्मीर मणिपुर नागालैंड और उत्तराखंड को वन नेशन वन कार्ड योजना, राशन कार्ड योजना में शामिल कर लिया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना एक ऐसी योजना है जो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह काम करती है। मान लीजिए आप झारखंड में रहते हैं और आप दिल्ली चले जाते हैं, तो अपना राशन कार्ड ले जाके आप वहां पे भी राशन ले सकते हो। अभी तक ये होता था कि जिस दुकान का आपका राशन कार्ड बना होता था आप केवल वहीं से ले सकते थे। ये योजना जो शुरू हुई थी, इस आंध्र प्रदेश में पहला राज्य था जो इसमें शामिल हुआ था। इनके साथ ही इस योजना में शामिल होने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अब 24 हो गई है। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मार्च 2021 तक इस योजना के दायरे में शामिल कर लिया जाएगा। और मार्च 2021 का मतलब यह है कि मार्च 2021 तक पूरा भारत इस योजना के अंदर शामिल रहेगा। अगली जानकारी है न्यूज फटाफट से। वर्ल्ड संस्कृत डे अभी 3 अगस्त को मनाया गया। भारत में प्रतिवर्ष श्रावणी पूर्णिमा के दिन संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष यानी 2020 में
श्रावणी पूर्णिमा 30 अगस्त को पड़ा, इसलिए इस साल संस्कृत दिवस 3 अगस्त को मनाया गया। और ऐसा इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन पुराने समय में वेदों का उच्चारण शुरू होता था और नया सत्र शुरू होता था पढ़ाई का। अगली जानकारी, राज्यसभा सदस्य अमर सिंह का अभी हाल ही में निधन हो गया। राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह का निधन हो गया। पिछले कुछ महीनों से उनका इलाज सिंगापुर के एक अस्पताल में चल रहा था। अमर सिंह समाजवादी पार्टी के महासचिव थे, जिन्हें 2 फरवरी 2010 को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। हालांकि साल 2016 में इनकी फिर से समाजवादी पार्टी में वापसी हुई और वह समाजवादी पार्टी के समर्थन से साल 2016 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे, जिसके बाद उन्हें अक्टूबर 2016 में फिर से पार्टी का महासचिव बनाया गया था। तो राज्यसभा सांसद सदस्य अमर सिंह का अभी हाल ही में निधन हुआ। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक हर साल अगस्त के पहले सप्ताह यानी 1 से लेकर 7 अगस्त तक माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए हर साल वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। तो इस साल भी ये मनाया जा रहा है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक यानी कि विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 का विषय है, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्थियर प्लैनेट। साल 1991 से वावा, WHO और यूनिसेफ द्वारा वार्षिक रूप से इसका आयोजन किया जाता है। तो 1 से 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक थीम रहेगी, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्थियर प्लैनेट। लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक 2020 जीत ली है। ब्रिटेन के मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन ने हाल ही में संपन्न हुई फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक 2020 का खिताब जीत लिया है। उन्होंने दूसरे स्थान पर रहे रेडबुल के मैक्स वर्स्टापन को 6 सेकंड से कम समय लिया और फरारी के चार्ल्स लेक्लर्स तीसरे स्थान पर रहे। तो लुइस हैमिल्टन ने जीती ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। बिहार सरकार ने अभी हाल ही में एक संजीवनी नाम का ऐप लॉन्च किया है, संजीवन नाम का ऐप लॉन्च किया है। बिहार सरकार ने हाल ही में संजीवन ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से लोगों को कोविड 19 से संबंधित सभी जानकारियां मिलेंगी। स्वास्थ्य विभाग के इस ऐप से संक्रमण से बचाव के उपाय, जांच, उपचार और नजदीकी हॉस्पिटल में खाली बेड की जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही कोविड 19 की जांच के लिए पंजीकरण कर सकते हैं और जांच का परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। नजदीकी आइसोलेशन सेंटर, कोविड केयर सेंटर और जांच केंद्र की जानकारी ली जा सकती है तथा होम आइसोलेशन के लिए स्वपूर्तना भी कर सकते हैं। तो हाल फिलहाल बिहार सरकार ने लॉन्च किया संजीवन ऐप, किस लिए? कोविड 19 की जानकारी के लिए। अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की। महात्मा गांधी सेतु जो हाल ही में समाचारों में दिखाई दिया वो किस राज्य में है? बिहार में, पटना से हाजीपुर को जोड़ता है। 15वें वित्त आयोग द्वारा स्थापित कृषि निर्यात उच्च स्तरीय समूह के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ITC के अध्यक्ष संजीव पुरी। किस राज्य द्वारा 1 से 15 अगस्त तक चलाए जाने वाले जन जागरूकता अभियान एक मास्क अनेक जिंदगी का शुभारंभ किया गया है? तो वह है मध्य प्रदेश। और बराक परमाणु संयंत्र की इकाई 1 को 31 जुलाई 2020 को चालू करने के बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला कौन सा पहला अरब देश बना? UAE। सियासत में सदस्यता किसके द्वारा लिखी गई है? विजय कुमार चौधरी द्वारा। और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल होने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है? 4 राज्यों के शामिल होने के बाद अब ये 24 हो गई है। बिहार राज्य में जल्दी ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित तो होगा, किस राज्य में? माफी चाहूंगा, उत्तराखंड में। और किस प्रदेश में अब न्यायिक सेवा में कुल 55% आरक्षण हो गया है? राजस्थान। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष के पद हेतु किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? तो वो है जिन लिक्यून। और विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 का विषय क्या है? सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर हेल्थियर प्लैनेट 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। किसने हाल ही में संपन्न हुई फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्री का खिताब जीत लिया है? तो वो है लुइस हैमिल्टन। और किस राज्य सरकार ने हाल ही में संजीवन ऐप लॉन्च किया है? तो वो है बिहार। अब बारी है आज के क्विज की। महात्मा गांधी सेतु जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, क्योंकि इसकी एक अपर स्ट्रीम बनाई गई है और ये 5.5 किलोमीटर लंबा पुल है, ये आप बिहार में आपको देखने को मिलेगा। ये एक नदी पर बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा पुल है, लंबा पुल है। 15वें वित्त आयोग द्वारा स्थापित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय समूह के अध्यक्ष कौन है? तो वो है संजीव पुरी। किस राज्य द्वारा 1 से 15 अगस्त तक चलाए जाने वाले जन जागरूकता अभियान एक मास अनेक जिंदगी का शुभारंभ किया गया है? तो वो है मध्य प्रदेश। और बराक परमाणु संयंत्र की इकाई 1 को 31 जुलाई 2020 को चालू करने के बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्र के रूप में शुरू करने वाला कौन सा पहला अरब देश बना है? तो वो है UAE। सियासत में सदस्यता किसके द्वारा लिखी गई है? विजय कुमार चौधरी, बिहार विधानसभा अध्यक्ष। किस राज्य में जल्दी ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा? उत्तराखंड में। किस प्रदेश में अब न्यायिक सेवा में कुल 55% आरक्षण हो गया है? 5% आरक्षण बढ़ने के बाद अब राजस्थान न्यायिक सेवा में कुल 55% आरक्षण हो गया है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष के पद हेतु किसे दोबारा चुना गया है? तो उनका नाम है जिन लिक्यून।
और विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 का विषय क्या रहा? ब्रेस्ट फीडिंग, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द हेल्थियर प्लैनेट। किसे हाल ही में संपन्न हुई फॉर्मूला वन ब्रिटिश ग्रैंड प्री 2020 का खिताब जीत लिया है? तो वो जीता है लुईस हैमिल्टन ने। मैक्स वर्स्टैपन आपके दूसरे स्थान पर रहे। और किस राज्य सरकार ने हाल ही में संजीवन ऐप लॉन्च किया है? तो वो है बिहार सरकार, ताकि COVID-19 के बारे में जानकारी साझा की जा सके। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल होने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अब कितनी हो चुकी है? अब 24 राज्य जो हैं वो इस योजना के अंतर्गत आ गए हैं। और मार्च 2021 तक सभी जो राज्य होंगे, मतलब कि पूरे भारत के सभी राज्य इसमें शामिल हो जाएंगे। ये स्लाइड दोबारा आ गई, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज के लिए इतना ही रखता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।